तो ये जो वीडियो ये बहुत बड़ा मेन वीडियो है, बहुत मेन है, मतलब इसमें क्या बातें होंगे, सबसे पहले बात कि क्या प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 पोस्टपोन हो सकता है। देखो कुछ भी हो सकता है, अभी आपको मालूम है कोविड वापस आ चुका है, कोविड का लय आ चुका है, थर्ड वेव जो भी कह लो आ चुका है। और अभी सीन ऐसा बना है, देखो क्या हुआ है ना कि पूरा इंडिया में तो बहुत ज्यादा केसेस हैं और प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 आपको मालूम है एक ही वेन्यू में हो रहा है, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में आपको सब सीन मालूम है कि एक होटल है जिसमें एक फ्लोर में वो टीम रह रहा है, जैसे बेंगलुरु रह रहा है, दूसरे में तामिल रह रहा है, जो भी सीन है। तो देखो प्रो कबड्डी आईपीएल का आप मालूम है, आईपीएल तो सब देखते होंगे ना। आईपीएल में क्या होता है कि प्लेयर्स लोग होते हैं उनको ट्रैवल करना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है, कभी मुंबई में मैच होता है, कभी चेन्नई जाना पड़ता है। तो देखो कबड्डी में क्या होता है कि इस बार एक ही मतलब एक ही वेन्यू बेंगलुरु को सेलेक्ट किया गया है और वहीं होटल है, वहीं प्रो कबड्डी का स्टेडियम है, वहीं मैचेस होते हैं। पर आईपीएल में सीन एकदम अलग था। लेकिन एक चीज़ बताओ मुझे कि अभी बहुत सारे प्लेयर्स आईपीएल में, अगर आप आईपीएल फॉलो करते हो तो वहाँ पे जैसे अमित मिश्रा थे, वृद्धिमान शाह जैसे प्लेयर्स थे, पॉजिटिव हुए। पहले आईपीएल इंडिया में हुआ था, फिर फेज टू आईपीएल का कराया गया था यूएई में, क्योंकि बहुत केसेस आए, प्लेयर्स पॉजिटिव होते गए फटाफट। उसके बाद बीसीसीआई ने 2-3 महीने बाद ये डिसीजन लिया कि अब यूएई में वापस कराना है। और जहाँ तक प्रो कबड्डी का बात है, देखो प्रो कबड्डी में सबसे पहला क्या है कि सेफ्टी। अभी जो प्लेयर जिस तरह से प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आपको मालूम है कि जैसे पवन शेरावत है और एक तरफ प्रदीप है, पवन और प्रदीप एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते, मतलब होटल रूम अगर उनका पास में भी है ना तब भी वो एक दूसरे से नहीं मिल सकते, बस मैच में ठीक है हाथ मिलाना पड़ता है, वो तो भाई सब कुछ है। प्रो कबड्डी में अगर मैच खत्म होता है तो एक टीम दूसरी टीम को यहाँ पे हाई हैंडशेक करती है, और जो करती है वो तो आप सबको मालूम है, बधाई देती है आप जीत गए जो भी है। लेकिन प्रो कबड्डी में एक ही स्टेडियम है बेंगलुरु, बेंगलुरु में मैचेज है, बेंगलुरु में आपको रहना है, आपका खाना है, सब कुछ है। पर आईपीएल में जहाँ तक बात है, आईपीएल में आपको बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ता था, लेकिन वो सीन प्रो कबड्डी के साथ नहीं है। प्रो कबड्डी में बस एक वेन्यू को बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पे डिस्कशन किया है, जो गोस्वामी शहर है, जो प्रो कबड्डी मसाल स्पोर्ट्स जो कंडक्ट कराता है, बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया उन्होंने जो सीईओ है कबड्डी पे। तो जहाँ तक प्रो कबड्डी की बात है कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, देखो मुझे ऐसा लगता है कि अभी देखो अगर एक प्लेयर भी पॉजिटिव हो गया ना, तो अगर एक प्लेयर पॉजिटिव हो गया, अगर वो पॉजिटिव हुआ, वो जिसके जिसके साथ था वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, सीधा बात है। और अगर ऐसा सीन बन गया तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 पोस्टपोन हो जाएगा, कैंसिल, आपको कैंसिल कराना ही पड़ेगा प्रो कबड्डी सीजन 8। हम नहीं चाहते ये किसी प्लेयर के साथ हो, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगा यार, कोई भी प्लेयर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए यार। अभी तक मैचेस अच्छी तरह कंडक्ट हो रहे हैं, सारे मैचेस बिल्कुल प्रिकॉशंस लिया है, मास्क पहनना जो भी है, और मैं आप सबको भी कहूँगा मास्क पहनते रहिए, सारे कोविड के जो जो प्रिकॉशंस है सब फॉलो करते रहिए प्रोटोकॉल्स। और अभी मैं आगे बताऊंगा कि फेज टू का शेड्यूल कब आने वाला है, कब आ सकता है, जो भी आप कहो, लेकिन पहले ये चीज़ खत्म करते। आईपीएल में क्या होता है कि जो बैट्समैन होता है और बॉलर होता है, ठीक है, बॉलर बैट्समैन को बॉलिंग करता है, बैट्समैन को टच नहीं करता है। और कबड्डी में क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई एक प्लेयर ए है, मैं नाम नहीं लूंगा यार वरना मुश्किल हो जाएगा ना, मैं ऐसा क्यों कहूँ, हाँ ठीक है, कोई प्लेयर ए है, वो प्लेयर बी को टच करेगा, सीधा बात है, कोई रेडर है तो वो कोई दूसरे डिफेंडर को टच ही करेगा ना भाई, तो टच करेगा, अगर उसको कोविड है तो दूसरे को भी कोविड हो जाएगा ना भाई, सीधा बात है। पर मैं नहीं चाहता हूँ, अगर ऐसा सीन हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आई थिंक कल एक मैच, कल बंगाल का आई थिंक कल या परसों मैच हुआ था, ठीक है, बंगाल वॉरियर्स का, उस मैच में हमें लेफ्ट कॉर्नर पे रण सिंह देखने को मिले। मैंने एक वीडियो बनाया था एक टॉपिक पे कोविड कंटिंजेंसी प्लेयर का, वो एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया था, वहां पे मैंने कहा था कि 5-7 प्लेयर ऐसे जिनको सेलेक्ट किया गया उस कैटेगरी में जो ऑक्शन में नहीं बिके, और अनसोल्ड कैटेगरी से उनको टीमों ने अप्रोच किया और उन प्लेयर को इस कोविड कंटिजेंसी प्लेयर के कैटेगरी में डाल दिया। उस टीम में बंगाल वॉरियर से रण सिंह थे, विशाल माने थे, ये दो प्लेयर्स थे, और आई थिंक एक अमित भी थे, अमित तो नहीं, दो ही प्लेयर थे आई थिंक, विशाल माने थे और रण सिंह थे। और जहाँ तक बात है रण सिंह का, रण सिंह को तो अगर देखो इसका क्या रूल है मालूम है कोविड कंटिजेंसी प्लेयर का, अगर कोई एक प्लेयर पॉजिटिव हो जाता है तभी आप उन प्लेयर को ला सकते हो, ऐसा नहीं कि यार सब्स्टिट्यूशन में रख लिया उसमें रख लिया, नहीं भाई, जब तक कोई प्लेयर आपकी टीम का पॉजिटिव नहीं होता है तब तक आप उन प्लेयर को नहीं खिला सकते। अब पता नहीं कौन सा प्लेयर पॉजिटिव हुआ है बंगाल से, अगर कोई प्लेयर हुआ है तभी रण सिंह खेल लेना यार, सीधा एक बात समझ लो, अगर कोई प्लेयर पॉजिटिव हुआ ही नहीं तो यार ये प्रोटोकॉल जो है कोविड कंटिजेंसी का एक टूट जाएगा। तो पता नहीं कोई प्लेयर आई थिंक कुछ पॉजिटिव हुआ है तभी रण सिंह को मौका मिला, रण सिंह ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो ये कोविड कंटिजेंसी का बात था। अब हम बात करते हैं कि अगर देखो अभी तक सब सही चल रहा है, सब सेट है, और फेज टू अभी जिस तरह कंडक्ट हो रहा है मुझे तो नहीं लगता है कुछ होगा, अगर कुछ हुआ नहीं तो यहाँ पे फेज टू
बिल्कुल होने वाला है, कंडक्ट होने वाला है। अब बात करते हैं डेट, कब प्रो कबड्डी सीजन 8 फेज 2 का डेट आ सकता है। तो यार मेरे हिसाब से 16 से 19, ठीक है 16 से 19 जनवरी, क्योंकि अभी मिड जनवरी में उन्होंने कहा था शेड्यूल आएगा पर आया नहीं, अब जनवरी खत्म होने वाला है 15 दिन में। तो मेरे हिसाब से 16 से 19 जनवरी के बीच में फेज 2 का शेड्यूल आ जाएगा और सब कुछ हमें मालूम पड़ जाएगा। तो गाइस वीडियो में इतना ही, सब प्रोटोकॉल्स फॉलो करो कोविड का, ठीक है गाइस। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।